अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब सच बोलता है लगाऊं एक और है? बता नहीं तो बुलाता हूँ पुलिस को। किसने भेजा है तुझे? जिसके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया वो यहाँ नहीं। सब वो सूट वूट में आया था साहब। उसने इनका फोटो दिया था और मुझसे कहा कि यहाँ पर नाटक करने के लिए। पैसे के लालच में मैंने सब ये नाटक किया साहब। निकल मेरे घर से बाहर और दोबारा इस घर के कभी आसपास दिखा तो। रेवा बेटा तू अंदर जाके आराम कर। ऐसे तमाशे तो रोज के हो गए हैं इस घर में। जा बेटा। अगर राज बीच में नहीं आता तो रेवा आज इस घर से जाने ही वाली थी समझो। शुभ कदम इस घर में पड़ चुके हैं जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह इन दोनों की चेतनाओं का मिलन है जन्म जन्मांतर से। कोई तो डोर है जो राजवीर को रेवा से जोड़ती है जो हमें नहीं दिखती पर इतनी मजबूत है कि हर बार इन्हें करीब ले आती है। देख विजय तू एक काम कर बेटा, गुरुजी को बुलाकर उनसे बात कर, पता कर ऐसी क्या वजह है जो उन्होंने रेवा को राजवीर की जीवन संगनी बताया है और श्रुति को नहीं, जबकि राजवीर श्रुति को बचपन से प्यार करता है। आज तक हम आपकी मर्जी के खिलाफ इस घर में रह रहे थे, मगर आज सबके सामने आपने हमारा साथ देकर हमें इस घर में रुकने की नई वजह दी है। और आज आपकी आंखों में जो हमने देखा वो पहले कभी नहीं देखा। एक नया एहसास। एक एहसास जिसे प्यार कहते हैं। जो पता नहीं कब कहां कैसे मुझे तुमसे हो गया, पता ही नहीं चला।
हाँ रिवा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। जैसे मोती का बंधन एक दूजे को कुछ अर्पण, सीप के संग जैसे मोती का बंधन एक दूजे को सब कुछ अर्पण। प्रेम की बांसुरी पे पिरोले प्रेम की। क्या सोच रही हूँ मैं, राज राजपति है मेरा साथ फेरे लिए हमने, साथ उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, शायद सिर्फ मेरा। अनमोल उठो। अनमोल, अगर तुम ऐसे चुपचाप रहोगी तो मुझसे नहीं रहा जाता। अनमोल तब उठेगी रजत जब ये जिंदा बचेगी। रुको। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। रात सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर तुम्हारा ये सपना सच हो गया तो राज भले ही तुझसे प्यार करता है, लेकिन अगर कल को जैसे तेरे ऊपर उसका दिल आया था, वैसे अगर रेवा के ऊपर आ गया तो नहीं, राज ऐसा कभी नहीं करेगा, वो ऐसा है ही नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, राज ऐसा नहीं मान ली, पर रेवा का क्या भरोसा, रेवा जैसी लड़कियां कुछ भी कर सकती। अब जिस तरीके से वो तेरे घर में ऐसे कुंडली मारकर बैठी हुई है, राज के मन में अपनी जगह बनाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। वो रेवा जैसी लड़कियों को तो तू जानती है ना, वो राज को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और तू कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं, तू बस ऐसे खड़े होके उसको देखती रहेगी। बाय राज, राज चला जाएगा, तू बस यूं ही खड़ी रहेगी बेचारी श्रुति। नहीं, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो तुम, प्लीज। ऐसा खुश नहीं हो, मैं उस गांव वाली बहन जी से नहीं हार सकती, मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं खो सकती, किसी भी कीमत पे नहीं खो सकती। राज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। दादी जी,
आपकी दवाई। बेटा रुको, बेटा आज के कलयुग में तेरे जैसे साफ मन वाले लोगों को देखकर कभी कभी बहुत डर लगता है मुझे। मैं सोचता हूं कि अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हुआ तो इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा मेरा। अरे जब दादी जी, आप और हमारे कैलाश नरेश संकरा हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। वैसे माँ ने बताया कि आज घर में क्या तमाशा हुआ? देखो बेटा, तुम्हें अपना और ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे भी अब ऐसा लगता है कि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो, तुम्हारा बुरा चाहता है। अंकल जी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। आप परेशान मत होइए, कुछ बुरा नहीं होगा। बात तो बहुत अच्छी कही तुमने। ये बहुत अच्छी बात है कि ऊपर वाले पर विश्वास हो, लेकिन थोड़ी सावधानी रखने में भी तो कोई हर्ज नहीं है ना। अब तुम मुझे ही देख लो ना, राज की माँ के गहने लॉकर में थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, अब जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। राज की माँ की आखिरी निशानियों को भी नहीं संभाल पाया मैं। लेकिन जब तक गहनों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, गहने जाएंगे कहां? तो ये प्लान तुम्हारा था, तुमने भेजा था उस अपेरे को? यस मैडम, ये सब मैंने ही किया था। मैंने देखा कि मेरी बीवी इतनी मेहनत कर रही है, तुम्हारा वो रेवा को सांप से कटवाकर मारने का प्लान भी फेल हो गया था, तो क्यों ना तुम्हारी थोड़ी हेल्प की जाए। इसलिए मैंने खुद जाकर उस सपेरे से बात की थी, उसको रेवा की फोटो दिखाई और उसे थोड़े से पैसों का लालच देकर अपने इस ड्रामे में शामिल कर लिया। और हाँ कश्मीरा, वो जो रेवा के कमरे में सांप का पिटारा था ना, वो भी मैंने खुद रखा था। थाना एकदम ऑसम प्लान, बस वो तुम्हारा भाई बीच में आ गया, वरना हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी बिना मुझसे पूछे ये सब कुछ करने की? भूल गए क्या कि इस घर का एक पत्ता भी बिना कश्मीरा की इजाजत के नहीं हिलता? रिलैक्स कश्मीरा, मैं तो तेरी हेल्प करना चाह रहा था। नहीं चाहिए, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ। दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले ना हजार बार सोच लेना, वैसे भी छोटा दिमाग है तुम्हारा, ज्यादा लोभ मत दो उस पे, समझे? कुछ टाइम पहले मैं ही रेवा को इस घर में लेकर आई थी। अब ये आपका फैसला है कि आप इसे इस घर में रखना चाहती है या नहीं। मैं एक मिनट रुकी दी माँ, इतनी जल्दी भी क्या फैसला करने की? मुझे पता था ये वो सांप है ही नहीं जिसने कल रेवा को काटा था। सब यही सांप थे साहब, आप पहचान नहीं पा रहे साहब। समय कौन हो सकता है? आप अंदर आ सकते हो? दो मिनट बात करनी है। आप यहां क्या कर रहे? आपको इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए था।
मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे कमरे में इस तरह आने का। मजबूर किया है तुमने मुझे, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी घर की शांति भंग हो चुकी है। रोज कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है। बताओ मुझे, क्या करके आई हो तुम जो कोई तुम्हें इस तरह फंसाकर घर से बाहर निकलवाना चाहता है? क्या करने आया था वो सपेरा आज? क्या है तुम्हारा सच? क्योंकि इतना तो मैं जान गया हूं कि जो तुम दिखा रही हो वो तुम्हारा सच नहीं है। इसलिए अपना असली चेहरा दिखाओ। क्यों कर रही हो तुम ये सब? आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, पर अब तुम हम सबके लिए मुसीबत बनती जा रही हो। जिस दिन से यहां पे आई हो रातों को चैन से सो नहीं पा रहा हूं मैं। जीना हराम करके रख दिया तुमने मेरा। इसलिए अच्छा होगा कि कल ही तुम ये घर छोड़कर चली जाओ यहां से। और देखो, वो पैसों का बहाना तो देना भी मत, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यहां पैसों के लिए हो ही नहीं। तुम्हारा प्लान कुछ और ही है। इसलिए जो भी खेल तुम खेल रही हो ना, वो बहुत जल्द मैं पता लगा लूंगा। फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसलिए इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लूं, अपना बोरिया बिस्तर समेट दो और निकल जाओ हम सबकी जिंदगी से दूर, बहुत दूर। अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं सहरी साहब कि आपकी अपनी बहन आप सबके लिए कितना बड़ा खतरा है? अगर हमने आपकी रक्षा नहीं की तो कश्मीरा दीदी पता नहीं कहाँ करेंगी। ओहो, झूठ बोलू तो मेरी ब्यूटी चली जाए। क्या कर रही हो? शादी की एक महीने तक तो नए जोड़े की रूम से ना चीजें गिरने टूटने की आवाजें आनी चाहिए, और तुम क्यों यहाँ बिल्कुल ऐसे सन्नाटे में खड़ी हो? क्या हुआ? और क्या करूँ भाभी, राज को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे कटा कटा सा रहता है जैसे कि मैं उसकी बीवी हूँ ही नहीं। मतलब तुम दोनों के बीच में अभी तक कुछ कुछ भी नहीं? आपको पता है इससे ज्यादा रोमांटिक तो वो शादी से पहले था। नहीं श्रुति, ये अच्छे रिश्ते की संकेत नहीं है? जितनी देर करोगी ना मामला उतना पूरा बिगड़ जाएगा, इसलिए तो कह रही हूँ इसे जल्दी करो और है ना, राज को रिझाओ, अपना बनाओ, क्योंकि एक बार वो तुम्हारा हो गया ना फिर मजा ले उसकी जो तुमसे दूर रह पाएगा। सच? हाँ। तुम एक काम करो, शहर के बाहर हमारा एक फार्म हाउस है, बड़ी रोमांटिक सी जगह है, तुम राज को वहां लेके जाओ। एक बार वहां जाओगी ना फिर बार बार जाने का मन होगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे श्रुति बेगम। तुम्हारी तो वैसे लव मैरिज हुई है। ठीक है, आपको पक्का लगता है ना ये आइडिया काम करेगा? बिल्कुल वर्क करेगा। रुको, मैं तुम्हें अभी लोकेशन सेंड करती हूँ। डन। वाओ नंदनी भाभी, यू आर द बेस्ट। मेरी कार वापस कैसे मिली? कश्मीरा दी ने इन्वेस्टर के मुंह पे यूं पैसे फेंक के मारे और कार वापस मिल गई। दीमा भी ना कितना ख्याल रखती है हमारा, एक दिन भी रहा नहीं गया उनसे। वो तो है। अच्छा ये तो बता दे कहाँ ले जा रही है? अरे इतनी बेताबी, थोड़ा कंट्रोल कर लो मेरे यार। तुम बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें किडनैप करके लेके जा रही हूँ इस दुनिया से बहुत दूर। बंदे को ये तो पता चले। अरे बस तुम्हारे फार्म हाउस जा रही,
और आज रात हम वहीं रुकेंगे। फार्म हाउस? अचानक से ये प्लान कैसे बना लिया? अचानक कहा, मैं तो कब से अपना दिल अपनी जान तुम पर लुटाने के लिए बेताब बैठी। अब घर पे तो तुमने मौका दिया नहीं तो मुझे ये सब करना पड़ा। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अब तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? पति हो तुम मेरे, इतनी तो कर ही सकती हूँ। अरे बाबा अब तो बता दो कि तुम इन गहनों का क्या करने वाली हो। वो तो मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि ये सब मैं उस दिग्विजय के हाथों नहीं लगने देना चाहती थी। मुझे पता था वो आज या कल में बैंक जरूर जाएगा लॉकर्स चेक करने के लिए। उसके पहले मैं सब कुछ निकाल लाई वहां से, सब कुछ। लगता है ये वही गहने हैं जिनके बारे में कल अंकल जी बात कर रहे थे। एक फूटी कौड़ी नहीं लगने दूंगी मैं उस दिग्विजय के हाथ में। ये सब कुछ मेरा है पर ये इस घर में सेफ नहीं है। मुझे कहीं सही जगह इसको ले जाना होगा। मैं आती हूँ। ठीक। कश्मीरा दीदी कहाँ जा रही है ये हमें पता लगाना ही होगा।